कौन जितना माँ करती है, जबिता परदेश को जाए, जब बेटा परदेश को जाए तो माँ रोया करती है। इतना ख्याल रखेगा कौन जितना माँ रखती है, मुझे इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। सबसे गरीब इंसान वही है जिस बच्चे के बचपन में उसकी उसके सर से उसकी माता पिता का साया हट गया है, सबसे बड़ा गरीब वो है। उसके बाद दूसरा गरीब वो है जिसे परमात्मा ने हाथ पैर नहीं दिए है। प्यारे सुनिएगा, एक बेटा प्रदेश में नौकरी करने जाता है और नौकरी करके लौटने वाला था। लौटने से एक दिन पहले उस लड़के ने अपने घर पर फोन किया, पत्नी से कहा कल आ रहा हूँ, क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए। बहन से कहा कल आ रहा हूँ, क्या लेके आऊँ। फिर माँ से कहा माँ मैं कल आ रहा हूँ, क्या लेके आऊँ। सभी की डिमांड क्या है सुनिएगा प्यारे। पत्नी कहे परदेश से साजन बढ़िया साड़ी लाना। पत्नी कह रही है महाराज आजकल बनारस से साड़ी चल रही है, भूल मत जाइए। पत्नी कहे परदेश से साजन बढ़िया साड़ी लाना। और बहन कहे परदेश से भैया हमको सूट ले आना। लेकिन बेटा कह रहा है माँ आपके लिए क्या लाऊं। तो माँ क्या कह रही है, माँ कहे मेरे टुकड़ा, माँ कहे मेरे प्यारे बेटा लौट के जल्दी आना। अरे लाडले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सही सलामत मेरे सामने लौट कर आ जा। अरे तू ही तो मेरा सब कुछ है मेरे लाल, तू ही तो मेरी आन है, तू ही तो मेरी शान है, तू ही तो मेरी दौलत है, तू ही तो मेरी जान है, तू ही तो सब कुछ है। बस तू अपना ख्याल रखना, अच्छे से शाम लौट कर मेरे पास आ जा बेटा। ये होती है माँ, ये होती है माँ। और बेटा लौट के घर पे आओ तो पत्नी कहाँ देख रही है, पत्नी कहाँ देख रही है, पति नहीं देख रही, पति के जेब की तरफ है। तो ऐसा तो ना डुकरिया डुकरिया के दिन पहले खाली कर आए तब ना आए हैं। पत्नी देखेगी पति के जेब की तरफ, माँ देखेगी अपने बच्चे के चेहरे की तरफ। मेरा बेटा थका तो नहीं है, अच्छे से खाया पिया तो है उसने। ये होती है माँ। माँ कहे मेरे दिल की टुकड़ा, माँ कहे मेरे प्यारे बेटा लौट के जल्दी आना। भी है प्यारे तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, मिले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
जा होती है। प्यारे याद रखना, आजकल पता है लोगों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई है। तीन भैया होए बटवारो होए, लोग आगे भैया कितने को रहे, बोले हम इधर, बड़े भाई बोले वो उधर, बोले बीच वाले बोले वो इधर, बोले पिताजी, बोले पिताजी को मैंने बगल वाला रूम दे दिया है। उस बच्चे की औकात भी देखिए, उसकी जीभ में कीड़े नहीं पड़े, कहते समय कह रहा है मैंने बाप को दे दिया है, बाप की अमानत, और ये कह रहा है कि मैंने बाप को बगल वाला रूम दे दिया है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जिसके हिस्से में 10 मंजिल कोठी पड़ गई है, जिसके हिस्से में 10 पहिए के वाहन पड़ गए हैं, वो अमीर नहीं। जिसके हिस्से में अरबों खरबों की दौलत पड़ गई है, वो अमीर नहीं मेरे भाई। सबसे बड़ा अमीर तो वो होता है जिसके हिस्से में माँ बाप आ गए, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं होता, बोली गोविंद भगवान की। लेकिन आज की औलाद माने तब तो है। अब आप लोग लो सोच रहे होंगे छोरी बोलती जा रही, कोई माने को हतो ना फिर काय को कह रही है, कोई ये जानते हैं कि माने को हतो ना तो काय को कह रही है। मुर्गा देखो, मुर्गा मुर्गा सवेरे सवेरे बांग लगावे लगावे के नहीं। अच्छा मुर्गा का काम है बांग लगाना, क्या मुर्गा कभी किसी की रजाई हटाता है आकर के सवेरे हो गया उठ जाओ? नहीं। तो भैया हम भी मुर्गा की तरह साधना बांग लगा रहे हैं आपके बीच में, जग पाओ तो जग जाइयो, ना सोवत रही हो वो पे कोई असर पर लगाना है। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे, ये ना पूछो कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए प्यारे सच्ची दौलत को पहचानिएगा, सच्ची दौलत को। मैया प्रसूति बेटी से सीने लगा कर कुशल मंगल पूछती, उसके बाद गृह कार्य में लग गई।